अगेन यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द सेम इमेज। आपने यहाँ पर देखा कि ये स्टमक है जिसे हम गैस्ट्रियम कह रहे हैं, तो लीवर आगे की तरफ है, स्प्लीन पीछे की तरफ है, तो ये जो पूरा पार्ट है इसे हम कह रहे हैं वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, पीछे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, तो इसे हम कहेंगे वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, यहां पर वाले पार्ट को हम कहेंगे डॉर्सल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, स्प्लीन के आगे वाले पार्ट को हम कहेंगे वेंट्रल पार्ट ऑफ डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम दिस वन, जबकि स्प्लीन के पीछे वाले पार्ट को हम कहेंगे डॉर्सल पार्ट ऑफ डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। अब होता क्या है कि सारे पार्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जाइगोसिस का फिनोमिना हो जाता है, कुछ पार्ट पेरिटोनियम के डिसएपियर हो जाते हैं, तो अब आपको इमेज इस तरीके से मिल रहा है। आफ्टर द डेवलपमेंट यू कैन सी कि ये स्टमक है, आगे में लीवर है और ये पीछे में स्प्लीन है, तो वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम क्या बना रहा है? यस, इट इज मेकिंग द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, मेनली ये बनाता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो लीवर का राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट भी बनाता है, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए लीवर में एक ट्रायंगुलर शेप का फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जो दो होते हैं राइट और लेफ्ट में, वो भी वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम इससे बनता है, और इसके साथ में कोरोनरी लिगामेंट होते हैं जिसके दो लेयर होते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर, ये भी किससे बनता है? तो हमारा आंसर है वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, और इसके साथ में जो लोअर मोस्ट फ्री मार्जिन है लिगामेंट फैल्सिफॉर्म का आप बोल सकते हैं, यस, या फिर वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम बोल सकते हैं, जो अम्बिलिकस के साथ जुड़ा हुआ है, ये बनाता है लिगामेंटम टेरिस, लेकिन लिगामेंटम टेरिस वर्ड बार बार आते हैं, ये लीवर के साथ जुड़ा है इसलिए यहां पर हम कहेंगे हिपेटिस, और ये कुछ और नहीं है, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, एक्चुअली द ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल लिगामेंट इसी के अंदर रन करती है, यहीं पर लोकेटेड होती है, तो हम इसके बारे में एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम ये चार चीजें हैं, और हमारा जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है उसके लोअर मार्जिन में, यस, उसके लोअर मार्जिन में हम लिगामेंटम टेरिस हिपेटिस कह रहे हैं, जिससे होकर के लेफ्ट अम्बिलिकल वेन रन करती है, ओके, यस। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डॉर्सल पार्ट है वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम का, ये बना रहा है लेजर ओमेंटम, हम रिवाइज कर रहे हैं, अगला नेक्स्ट फिर से आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम के पार्ट देख रहे हैं, तो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम का पार्ट जो कि स्प्लीन और स्टमक के बीच है, इसे हमने कहा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ओके फाइन, लेकिन और क्या क्या पार्ट है? थोड़ा सा पार्ट जो होता है जो सीधा सीधा डायफ्राम से अटैच होता है, तो इसे हम कहेंगे गैस्ट्रो, क्योंकि डायफ्राम से अटैच है इसलिए फ्रेनिक लिगामेंट, सो दिस इज अनदर एमसीक्यू, ओके। और अब हम आगे देखते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर से बड़ा सा फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम अटैच होता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम, सो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, और लाइनोरिनल लिगामेंट हम पहले ही देख चुके हैं, इट इज अटैच बिटवीन स्प्लीन एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ओके, सो दीज आर द वेरियस डेरिवेटिव अदर डेरिवेटिव ऑफ मेसोगैस्ट्रियम। नाउ कैन यू सी दिस इमेज? यस, ये है हमारा स्टमक, तो स्टमक के लेजर कर्वेचर से जुड़ा हुआ है एक लिगामेंट जिसे हम कहते हैं लेजर ओमेंटम, यस, इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो स्टमक से जुड़ा हुआ होता है इसलिए हम हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट कहते हैं, जबकि नीचे वाला पार्ट जो है वो ड्यूडेनम के साथ कनेक्टेड है इसलिए इसे हम हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट कहते हैं, मींस हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट एंड हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट दोनों मिलकर के लेजर ओमेंटम बनाते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर में सबसे क्रेनियल मोस्ट पार्ट में जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम है वो हमारे डायफ्राम से अटैच है इसलिए क्रेनियल मोस्ट पार्ट को हम कहेंगे गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, इसके बाद वाला पार्ट जो होता है वो स्प्लीन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम कहेंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और जबकि रिमेनिंग पार्ट जो है वो बहुत बड़ा है और ये एक बहुत बड़े फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम की तरह हैंग कर रहा है इसे हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होते हैं, मिल्की स्पॉट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, पेयर्स पैचेस होते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेसिव अमाउंट में मैक्रोफेजेस होते हैं, पेयर्स पैचेस होते हैं, इसलिए इसे हम पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं, यस, दिस इज नोन एज पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। इसे पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन क्यों कहा जाता है?
जिस तरीके से कभी कोई चोर किसी एरिया में घुसता है तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उस एरिया की तरफ मूव करता है और चोर की एंट्री को प्रिवेंट करता है, इन द सेम वे इन केस ऑफ द एब्डोमिनल इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी इनलॉजमेंट, ये ग्रेटर ओमेंटम जो होता है वो माइग्रेट करता है, यहाँ से मैक्रोफेजेस पेयर्स पैचेस माइग्रेट करते हैं, ग्रेटर ओमेंटम माइग्रेट करता है और वहाँ से फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया या इन्फेक्टिव एजेंट के एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से ये पुलिस की तरह काम कर रहा है, चोर की एंट्री को, फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया वायरस की एंट्री को रोक रहा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज द पोलिस मैन ऑफ एब्डोमेन। सो दिस इज योर अनदर एमसीक्यू, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलिस मैन ऑफ एब्डोमेन? आंसर इज ग्रेटर ओमेंटम।